नेटफ्लिक्स द्वारा बनाई गई वेब सीरीज अ सुटेबल बॉय को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस मामले में रीवा पुलिस द्वारा नेटफ्लिक्स के दो अधिकारियों पर FIR भी दर्ज कर ली गई है। वहीं वेब सीरीज में दिखाए गए आपत्तिजनक दृश्यों को लेकर आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा रीवा के शिल्पी प्लाजा चौक में नेटफ्लिक्स का पुतला दहन किया गया एवं बायकॉट नेटफ्लिक्स का नारा भी लगाया गया। युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने नेटफ्लिक्स का बहिष्कार करने की बात करते हुए कहा कि असुटेबल बॉय वेब सीरीज के अंदर मंदिर वाले बैकग्राउंड में जिस तरह दृश्य फिल्माया गया है यह हिंदू धर्म की भावनाओं को आहत करने वाला है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नेटफ्लिक्स पर सख्त कार्रवाई करने का युवा मोर्चा ने स्वागत किया है। युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने आम लोगों से नेटफ्लिक्स के बहिष्कार करने की अपील की है। आपको बता दें कि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के निर्देश के बाद नेटफ्लिक्स के दो अधिकारियों मोनिका शेरगिल VP कंटेंट और अंबिका खुराना डायरेक्टर पब्लिक पॉलिसीज पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में रीवा के सिविल लाइन थाने में FIR दर्ज की गई है। देखिए ये पुतला दहन नेटफ्लिक्स का है। आप लोगों को जानकारी में होगा कि आज एक FIR भी रीवा में हुई है नेटफ्लिक्स के विरुद्ध। भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री गौरव तिवारी जी ने दो दिन पूर्व इसकी शिकायत रीवा में SP महोदय को दी थी और नेटफ्लिक्स की जो वेब सीरीज है सुटेबल बॉय उसके अंदर हमारे मध्य प्रदेश के शिव मंदिर जो महेश्वर में हमारा शिव मंदिर है उसमें एक फिल्म शूट की गई। उस फिल्म शूट के जो दृश्य हैं वो निश्चित रूप से आपत्तिजनक है, सनातन धर्म को अपमानित करने वाले हैं कि एक बैकग्राउंड में म्यूजिक जो चल रहा है भजन का उसमें और मंदिर परिसर के अंदर अश्लीलता पूर्वक जो दृश्य फिल्मांकन किए गए हैं वो सारे दृश्य को देख करके जिस तरह से समाज आज आक्रोशित है उसके विरुद्ध यह एक पुतला दहन है। मध्य प्रदेश की सरकार ने और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री महोदय ने उसके खिलाफ कार्रवाई के आश्वासन दिए हैं और कार्रवाई शुरू भी हो गई है जिसके तहत आज रीवा में ये FIR भी दर्ज हो गई है। आप देखेंगे इसमें जो आरोपी बनाए गए हैं वो मोनिका शेरगिल और अंबिका खुराना है। इन दोनों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। लेकिन हमारी मांग यहाँ पे कुछ नहीं है, हमारी मांग तो समाज से है कि अब वो एकत्रित हो जाए क्योंकि हम देख रहे हैं कि जिस तरह से हमने लिबरल होकर के सेक्युलरिज्म के नाम पर इनको छूट दी है उस छूट के बाद उसका यह नतीजा है कि आज सनातन धर्म के साथ आए दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ घटनाएं होती रहती हैं। कहीं तनिष्क का विज्ञापन आ जाता है, कहीं मंदिरों में शूटिंग हो जाती है, कहीं किसी अभिव्यक्ति की आज़ादी और क्रिएटिव के नाम पर कुछ भी दिखाया जाता है इस देश के अंदर, उसे बंद करना पड़ेगा। यही हमारी मांग है कि आज जनता जागृत हो जाए और मध्य प्रदेश की सरकार ने जिस तरह से कार्रवाई आकर के आगे शुरू की है उसी तरह से पूरे देश की सरकारों को भी इस तरह की कार्रवाई के लिए आगे आना पड़ेगा। देखिए लव जिहाद और इन दोनों में अंतर है। एक तो ये जो हमारी मीडिया है जो हमारे क्रिएटिव आर्टिस्ट हैं उनके द्वारा ये किया जा रहा है, लेकिन लव जिहाद का जो प्रेरित करने का पॉइंट है वो इसी के अंदर है। हमने देखा, हमने सुना है कि इसमें कहा जाता है कि जो लड़की है वो पूछती है कि तुमने अपना सरनेम पहले क्यों नहीं बताया। आज यही तो लव जिहाद में हो रहा है। आखिर लव जिहाद का कानून क्या कह रहा है? लव जिहाद का कानून भी यही कह रहा है कि हमको अधिकार होना चाहिए कि हम जितने विवाह करने जा रहे हैं उसकी पूरी जानकारी हमें हो। हम देख रहे हैं कि हमारी बहनें कई हैं जो उनके चंगुलों में फंस रही हैं, उनको पता नहीं रहता है कि वो किस धर्म से है, किस जगह से है, किस तरह के पृष्ठभूमि से आया हुआ है। जब उसके साथ किसी तरह की बातचीत हो जाती है, लिविंग रिलेशनशिप में रह जाते हैं, उनकी फ़ोटो या वीडियो बन जाते हैं, उसके बाद उनको ब्लैकमेल किया जाता है, उनको धर्म परिवर्तन के लिए कहा जाता है और प्रताड़ित किया जाता है। और ये छोटे परिवारों में नहीं हो रहा, ये बड़े परिवारों में भी हो रहा है। ये किसी न किसी तरह से कन्वर्जन का काम हो रहा है। इसलिए लव जिहाद के अंदर ये कड़ा कानून बनना चाहिए। और जो लोग ये कह रहे हैं कि लव जिहाद का कानून गैर कानूनी होगा और स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत इसको नहीं जो उसका उल्लंघन होगा, तो उन्हें यह मालूम होना चाहिए कि सुनील शर्मा बन करके जो व्यक्ति मिलता है बाद में यदि भी सलमान खान बन करके निकलेगा और कलमा पढ़वाना चाहेगा तो उसका इस देश के अंदर विरोध होगा। और कट्टरपंथियों के अंदर जो जिन्ना भर गया है उस जिन्ना को निकाल करके फेंकने की ज़रूरत है और सनातन धर्मियों को अब रोड पे आकर के जंग के साथ लड़ने की जरूरत है। सनातन धर्म के साथ ब्रजेंद्र गौतम, भारतीय जनता युवा मोर्चा का कार्यकर्ता हूँ, प्रदेश का सह संयोजक हूँ कॉलेज आउटरीच कमेटी का।